सुप्रभात। आज हम 9th क्लास के लिए शेमूसी के प्रथम भाग से अध्याय 2 स्वर्ण का कह पढ़ रहे हैं। इस पाठ की शुरुआत हम शब्दार्थ से करते हैं। शब्दार्थ न्यवसत, एवसत संस्कृत का दूसरा शब्द है। इन दोनों का अर्थ है रहता था या रहती थी। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ एक ही है, दुहिता सुता जिसका अर्थ है पुत्री, स्थाल्याम स्थाली पात्रे अर्थ थाली में, खगेभ्यः पक्षिभ्यः अर्थ पक्षियों से, समुद्य उत्पल्लुत्य अर्थ उड़कर, स्वर्ण पक्षः स्वर्णमयः पक्षः अर्थ सोने का पंख, रज्जत चंचुः रज्जतमयः चंचुः अर्थ चांदी की चौंच, तंडुलान अक्षतान अर्थ है चावलों को, निवारयन्ति वारणम कुर्वन्ति अर्थ रोकती हुई, मा शुचः शोकम मा कुरु अर्थ है दुख मत करो, प्रोवाच अकथयत अर्थ है कहा, प्रहर्षिता प्रसन्ना अर्थ है खुश हुई, प्रासादः भवनम अर्थ है महल, गवाक्षात वातायनात अर्थ खिड़की से, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामी अवतीर्णम अर्थ है उतारता हूँ, आसाद प्राप्नोत पहुँचा, विलोक्य दृष्ट्वा देखकर, प्राह उवाच कहा, प्रातिराक्षः कल्यवर्तः सुबह का नाश्ता, व्याजहार अकथियत कहा, पर्यवेक्षितम पर्यवेक्षणम कृतम परोसा गया, महारहाणि बहुमूल्यानि अर्थ बहुमूल्य, लुब्धा लोभ वशीभूता लोभी, निर्भर्षत यन्ति भर्त्सनाम कुर्वन्ति निंदा करती हुई, प्रयतज्यत अतज्यत छोड़ दिया। पाठ शुरू करते हैं। स्वर्ण का कह पाठ से संबंधित जानकारी। प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितम विश्वकथाशतकम इति कथासंग्रहात् ग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्वकथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोककथानां वर्णनम विद्यते, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः
तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस पाठ में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुराकस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक दिन माता ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुद्य तस्याः समीपम् अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आया। आगे नेतादृशः स्वर्णपक्षो रज्जतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दुष्टः। सोने के पंख तथा चांदी के चोंच वाले सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। तम दंडुलान खादंतम हसंतच्च विलोक्य बालिका रोदी तुमार बद्धा। उसे चावल को खाते हुए देखकर हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसको हटाती हुई लड़की प्रार्थना करने लगी, तांडुलान माँ भक्षय, तुम चावलों को मत खाओ। किसने कहा था? ये लड़की ने। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता अत्यंत निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा कि तुम दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्राम बधई पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। कल सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके पीछे आ जाना। किसने कहा था? ये कौवे ने। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न बालिका को रात के समय नींद भी नहीं आई। आज हम इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। अगले पैराग्राफ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।